good morning, John. Thank you. In the previous lesson, as we learned about biogenesis, now we are going to learn about abiogenesis and an experiment that is in favor of abiogenesis that was given by Nethan. Abiogenesis. According to old belief, living things can spontaneously develop from non-living things is termed as abiogenesis. This concept was given by Aristotle. According to old belief, पुराने यकीन के मुताबिक ये माना जाता था कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो खुद ब खुद अचानक से नॉन लिविंग थिंग्स से क्या हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया, एबायोजेनेसिस, कि बेजान चीजों से जानदार चीजें जन्म ले लेती हैं। और इस कॉन्सेप्ट को अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था, उसने बायोलॉजिस्ट था, उसने पेश किया। नेथान एक्सपेरिमेंट इन सपोर्ट ऑफ एबायोजेनेसिस। नेथान का एक हम एक्सपेरिमेंट सीख रहे हैं, ये भी एक साइंटिस्ट था, इसने एबायोजेनेसिस की फेवर में एक एक्सपेरिमेंट किया। इन 1748 एन इंग्लिश साइंटिस्ट नेथान बॉइल्ड मीट इन वाटर। 1748 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट था नेथान, उसने पानी में कुछ गोश्त के टुकड़े बॉइल किए। He poured the gravy in bottles and closed their mouth with cork। वो उसका यखनी या उसका शोरबा या जिसमें वो पका रहे उस पानी में बॉइल कर रहा, उस पानी की ग्रेवी लेके बॉटल्स में डाल देते हैं और उनके मुंह को कॉक से बंद कर देते हैं, ढकने से बंद कर। After a few days, many microorganisms were produced in these covered bottles. कुछ दिनों के बाद उन डांपी हुई कवर्ड बोतल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, जिनको वो माइक्रोस्कोप से देखता है कि बहुत छोटे छोटे जानदार जो हैं उन कवर्ड बोतल में पैदा हो जाते हैं। This once excited the believers of abiogenesis, life from non-life. वो लोग जो इस बात पे यकीन करते थे कि बेजान चीजों से जानदार चीजें पैदा हो जाती हैं, उनके लिए ये एक झुका देने वाली खबर कि बेजान चीजों से जानदार चीजें पैदा होती हैं।